हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सब तो बूढ़े हो गए, पहले अपना डायरी तो ठीक करवाएं। आसिफा सियासत अपने वालिद साहब के साथ बैठती है। I've heard that she's too good. MQM के बहुत सारे वर्कर और कुछ लोग तो आ भी गए हैं पीपल्स पार्टी। पीछे आए मेरे कैंडिडेट्स ढूंढ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ ऐसी शख्सियत से जिनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बोला कि जनाब आप इलेक्शन लड़े, 1997 की मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ ज़रा नोट रख कीजिएगा कि मोहतरमा की बात करो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करो, उन्होंने बोला था इनकी, जिनके तारुफ में अभी बाद में कराता हूँ। और उसके बाद उन्होंने बोला जनाब कि आप नाजिम बन जाइए नवाब शाह के। नाजिम बन गई नवाब शाह के वो, और ये सब कुछ हुआ मोहतरमा की मर्ज़ी से। मैं इसलिए ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं कि पता नहीं कहीं से ये शख्सियत खुद आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आ गई थी, ऐसा नहीं है, मोहतरमा की मर्ज़ी से ही आई थी। पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है वो लूज़ किए, और 2005 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मुशर्रफ वाज़ इन पावर, और उन्होंने काफ़ी लोगों को जनाब आगे पीछे कर दिया। लेकिन एक खातून थी हु कुड मेक इट, फरियाल तालपुर साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ। उनसे मैं आज आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि कुछ आपके तल्ख सवालात होते हैं जो आप लोग चाहते हैं कि पूछे जाएं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं। थैंक यू। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ कि अभी जब शो शुरू होने लगा था उससे पहले आपने पूछा मेरे से कि ये क्या हुआ तुम्हारे एंकल पे जी, तो एंड आई टोल्ड यू कि आई वाज प्लेइंग स्क्वाश तो मेरा पाँव जो है ट्विस्ट हो गया, सो आई ब्रोक माय एंकल और लिगमेंट्स मेरे टूट गए। तो आपने मुझे एक बात बताई कि मैं बचपन में मैं भी स्क्वाश खेला करती थी जी। खेलती थी आप? जी 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 बिल्कुल, एक वक्त था वालिद साहब के साथ कराची जिमखाना में मैं और मेरे भाई आसिफ जरदारी, अच्छा। हम जाया करते थे और स्विमिंग करते थे, बहुत छोटे थे और स्क्वाश भी खेलते थे। एंड फिर एक वक्त आया कि आई थिंक स्क्वाश एक उम्र के लिए सही रहती है, फिर इट्स सो एग्रेसिवली फिजिकली, आई थिंक इंसान को थोड़ा यंग होना चाहिए स्क्वाश खेलने के लिए। आपने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हारी उम्र नहीं है स्क्वाश खेलने जी, फिर मेरा ख्याल है कि लॉन टेनिस अच्छी होती है, लेकिन एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी, फिजिकली फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी के लिए, बस हम सब की उम्रें बढ़ रही हैं तो आई थिंक हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। Do you work out? I do a bit of workout. Yes, a bit of workout, but not that I don't get the time to do. Have these luxuries of going for lawn tennis and things like that. But yes, people should. अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बड़े इल्जामात हैं आप पे। एक बड़ी बहुत लंबी फहरिस्त है। जी। पहले कुछ से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, टीवी देखती हैं आप? जी कुछ वक्त मिलता है तो देख लेती हूँ। वक्त मिलता है तो कुछ कभी ना कभी देख लेती हूँ। यस अ बिट ऑफ टीवी है। यस टॉक शोज देखती हूँ। देखती हूँ बिल्कुल। आपका मतलब 8 बजे के बाद वाले टॉक शो? यस 8 बजे और 8 बजे के बाद। जी जी बिल्कुल देखती हूँ, कभी कभी तो बिल्कुल देखती हूँ। अच्छा। उसमें कई मरतबा आपके रेड वारंट्स निकल आते हैं और मैं फौरन पाकिस्तान वापस आ जाती हूँ। वो सुन के आ जाती है वैसे? देखिए दिस इज माई कंट्री। अच्छा। आई वॉज बॉर्न हेयर, आई वॉज बॉर्न इन सिंध, इन फैक्ट आई वॉज बॉर्न इन नवाब शाह बेनज़ीराबाद। मेरा ये मुल्क है, मेरी ये धरती है, मैं इसी मुल्क में रहूँगी और यही ख्वाहिश है कि अपनी बड़ों की जहाँ कब्रें हैं वहीं मुझे तफ्तीन किया जाए। हम दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में रहते हैं और जाते हैं, और जब जाते हैं तो यही इसी मुल्क में, इसी मिट्टी में हमें वापस जाना है जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं। तो यस आई विल स्टे हियर इंशाल्लाह, इसी मुल्क में रहना, इसी मुल्क में सियासत करनी है और इसी मुल्क में लोगों की मदद और हेल्प करनी है और अपने पार्टी के लोगों के साथ, अपने वर्करों के साथ मिलके सियासत करनी। दैट्स वेरी गुड जी। मुझे एक टाइम था कि घर में सारे मर्द जो थे वो अरेस्ट हो गए
और आप समझ नहीं है ना मैं कब की बात कर रहा हूँ। आसिफ जरदारी साहब जेल के अंदर, बाकी जो घर के सारे मर्द थे वो भी जेल के अंदर, और एक फाइटर खातून जो है वो जनाब निकलती है और सब कुछ फाइट आउट करती है, क्या व्हाट वाज द रीजन? कहाँ से सब कुछ? द रीजन वाज बेनजीर बीबी, बीबी शहीद। अच्छा, इट वाज हर डिसीजन। अच्छा, डिसीजन उनका था। अच्छा, डिसीजन उनका ही था कि मुझे सियासत करनी चाहिए। अच्छा, उनने देखा कि आई हैव द कैपेबिलिटी, द कैपेसिटी टू डू सो मच, तो शी सजेस्टेड कि आप सियासत करें, और मेरा नाम उनने ही लिया। इनफैक्ट उनने परमिशन ली बाकायदा मेरे वालिद साहब से। अच्छा, मेरे शोहर से। जैसे कि हमारा एक ट्राइबल सिस्टम है, एक कल्चर है हमारा, उसी में बीबी ने मेरे दोनों जो मेरे इम्पोर्टेंट मेल्स थे जिनके साए असर में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उनसे परमिशन ली। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने तो फौरन हाँ कर दी, बिकॉज माय हस्बैंड इज ऑलवेज इनकरेज्ड मी इन एवरी फील्ड, चाहे वो मेरे घरेली फैमिली इश्यूज हो या मेरे एग्रीकल्चर हो, जिसमें उनने पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे इनकरेज किया कि मैं ज़मींदारी करूँ, सीखूँ ज़मींदारी, इनकरेज करते रहे। मेरा लाइफ पार्टनर जो है वो मुझे माशाल्लाह इतना अच्छा खुदा ने दिया कि उसने मेरी बड़ी मदद की हर चीज़ में। तो मेरे वालिद साहब से इजाज़त ली गई, मेरे भाई से इजाज़त ली गई, और बीबी के ये डिसीजन था कि आई शुड कम इनटू पॉलिटिक्स। यस, इट वाज हर डिसीजन, माशाल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पे सिंध में आए ना, तो यहाँ पे लोग कहते हैं जनाब कि कोई काम ना अदी फरियाल के मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। अच्छा ये बात है। फिर बेचारे ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं क्या कर रहे हैं? अपने पार्टी के वर्करों के साथ या अपने MNAs, MPAs, जो अगेन वर्कर कम्युनिटी से आते हैं, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ। उनके इश्यूज होते हैं, उनकी बातें होती हैं, पोलिटिकल डिसीशन होते हैं, या बोर्ड में जब हम चूज करते हैं कि किसका कौन कहाँ कैंडिडेट होगा, उस हवाले से मेरा बिल्कुल एक अप फ्रंट पोजीशन है वहाँ, मैं बिल्कुल उसमें हिस्सा लेती हूँ। लेकिन गवर्नमेंट इश्यूज में मैं हिस्सा नहीं लेती हूँ, मेरी दिलचस्पी ही नहीं है उसमें। अगर कोई सच पूछे और सच जवाब लेने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो, तो उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती तो शायद मैं खुद ही क्यों नहीं पार्टी से रिक्वेस्ट करती कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। मैंने तो कभी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की, मैंने तो कभी मिनिस्टरशिप के लिए भी, कभी किसी मिनिस्ट्री के लिए भी नहीं ऑप्ट किया कि मैं मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखी। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कभी ख्वाहिश ही नहीं रही। तो फिर ये इतनी परसेप्शन क्यों बनी हुई है मुझसे? हाँ। एक लड़की से मुझे खुद कभी कभी इस बात पे अजब होता है और हंसी भी आती है कि हमारे पास माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड लोग हैं। हमारे इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं, स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं माशाल्लाह, अ वेरी फाइन पर्सन, वेरी, आई थिंक उनके आने से बहुत सिंध में तो बहुत अच्छा एक तासुर भी है और वो काम भी बहुत करते हैं। तो आई थिंक ये एक ख्याली या मेरी अपोजिशन को एक पॉइंट मिल गया जिसको बार बार रिपीट करना चाहते हैं। क्या ये वजह तो नहीं है कि आप पार्टी को, पार्टी के अफेयर्स जो है, जैसे आपने कहा पार्टी के जो अफेयर्स हैं उनको लुक आफ्टर करती हैं, तो ऑब्वियसली लेग पुलिंग भी होती है, जेलिसीज भी होती हैं और इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत होती हैं। सो इनसिक्योरिटीज़ हैं ये सब कुछ, इस वजह से परसेप्शन आपकी ख़राब हो जाती है कि जनाब कोई काम मर्जी के बगैर नहीं होता, जनाब अदी फरियाल की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी पैसों के बगैर, और जनाब मतलब इस तरह के एलिगेशंस हैं ना ये सारे। देखिए जी, एलिगेशंस आर एलिगेशंस, एलिगेशंस तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। आजकल तो फैशन हो गया जी, एलिगेशन लगा दें किसी पे भी आप खड़े होकर और कह दें। लेकिन जहाँ नौकरियों का हवाला आपने कहा, तो देखें अगर कोई भी MNA, MPA नौकरी को बेचने का सोचेगा तो उसका, आप समझते हैं, वोटर उसको रिस्पॉन्ड करेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस मेजॉरिटी से सिंध में जीत रही है, डू थिंक हमारा वोटर, अगर मैं अपने वोटर के पास जाऊंगी वोट मांगने के लिए और अगर नौकरी बिकी होगी, क्या वो मुझे वोट देगा? वो मुझे ये नहीं कहेगा कि बीबी ये तो नौकरी मैंने पैसों से ली है। तो डू थिंक दोज पीपल विल वोट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? दिस इज़ अ लाई, दिस इज़ टोटली इनकरेक्ट। और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक सिस्टम होता है
यू जस्ट कांट टॉक इन द एयर, एयर में बात कर देना, किसी को अक्यूज करना, हर चीज़ एक सिस्टम से जाती है. लोग जाते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उनके रिटन टेस्ट होते हैं, उनकी फिर उस रिटन टेस्ट में भी मेरिट होती है. इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है. हाँ, हम अपने लोगों को ज़रूर कहते हैं कि आप कम्पीट करें. अगर कहीं भी एडवर्टीजमेंट आता है नौकरियों के हवाले से, तो अपने लोगों को कहते हैं जी आप कम्पीट करें, आप जाएं बैठे इंटरव्यू पर. अक्सर हमारे लोग भी खफा हो जाते हैं कि जी आप बात कर रही हैं मेरिट को और नौकरी मेरे को चाहिए, तो हम कहते हैं जी आजकल वो ज़माना नहीं, वो वक्त चला गया. अब नौकरियाँ हैव टू गो थ्रू अ सिस्टम, देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम इन विच जॉब्स हैव टू बी गिवन. अच्छा, आप कहती हैं तो मान जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं थोड़े दिन घूमा फिरा, वहाँ पे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जहाँ पे तो सबसे बड़ा टेरर जो है वो आप ही हैं. ओह अच्छा, मैं टेरर लग रही हूँ आपको? हाय, अ गर्ल, अ वुमन, अ पाकिस्तानी मुस्लिम वुमन, अ टेरर. उसकी वजह है, उसकी वजह पता क्या है, यहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिला तो उनको ग्रैंड अलायंस की बातें कर रहे थे वो, और मैंने उनसे बातचीत की. मैंने कहा जी सुना आप लोग ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, तो लेकिन एक आपकी एक आवाज़ भी आपके अंदर से एक आती है कि हम ग्रैंड अलायंस बना लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारी एक बंदे से, एक बंदे को रास्ते से हटा दो कि वो बीच में हर्डल ना क्रिएट कर दे. वो आपका नाम लेते हैं जी, दैट इज़ अ बिग जोक, बहुत बड़ा मजाक है जी. एससी, मैं तो एक अदना कारकुन हूँ. ग्रैंड अलायंस वाले क्यों डरते हैं? ग्रैंड अलायंस ही बनते रहे. ग्रैंड अलायंस पीपल्स पार्टी के लिए कब नहीं बने, हर वक्त ग्रैंड अलायंसेस बने और फर्द जो है वो आगे आए, चाहे जाम सादिक अली हो या अरबाब साहब हो, जो भी है, देयर हैव बीन पीपल लाइक दैट. एक एक वोट वाले जो आगे आए हैं, जिन लोगों ने सोचा कि जी हम सिंध को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन सिंध की अवाम जो है ना वो इस वक्त बहुत होशियार है, और सिंध की अवाम जो है उसको मालूम है कि मुझे अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ तो उस बंदे की मेरिट क्या है, वो बंदा काम क्या करता है, वो परफॉर्म क्या करता है. जी हम लोग मेहनत करते हैं, हम हमारे एम एन एज हों या एम पी एज हों या हमारे पार्टी अहदेदारान हों, सब रबते में हैं. लोगों के आना है, किसी की गमी है, किसी की खुशी है, किसी का कोई काम है, तो ये एक इंटरलिंक्ड है सब. यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेस जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने डाली है, और बेस इज़ हमारा वर्कर, और वो हमारा मजबूत है. हमारी फाउंडेशंस, हमारी लोग, हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखना एक फैमिली है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ अ फैमिली, इट्स नॉट इंडिविजुअल्स. सो वो जो फैमिली और पॉलिटिकल सिस्टम और एक थियोरी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी की फिर सोच, और बीबी की बेचारी की जो उनकी जो शहादत है, जिसने हम सबको आधा, मैं कहती हूँ हम तो बिल्कुल ही परेशान और उस गम के हाल में है अभी भी. अगर अभी भी आप उससे पूछेंगे तो मैं किसी किसी वक्त रो पड़ती हूँ, स्पेशली जब उनकी मज़ार पे जाती हूँ तो टीयर्स कम आउट एंड आई क्राई, आई सिट देयर एंड क्राई. व्हेनेवर आई एम, जब भी मैं परेशान हूँ या जब भी मैं अपने वर्करों के साथ मिल रही हूँ या जब भी मुझे कोई इशूज़ है लाइफ में, तो मैंने हमेशा जाके बीबी की मज़ार पर बैठ के सॉलेस मिला मुझे. वहाँ बैठ गए 10-15 मिनट, रो लिए बीबी की मज़ार पर कि आप छोड़ के चली गई. यही दिल चाहता कहना उनको कि आप छोड़ के हमें चली गई, लेकिन उस बेचारी की ज़िंदगी ये थी, हम क्या करते. इंसान कभी कभी बेबस होता है, डिसीजन अल्लाह के होते हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता. इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम यकीन है हमें इसमें कि खुदा के डिसीजंस होते हैं, इस दुनिया में आना और इस दुनिया से जाना, ये रब के डिसीजंस हैं. तो ऑफकोर्स उनकी शहादत ने एक बहुत बड़ा इम्प्रिंट हमारे दिमाग में, सबके दिमागों में, वर्करों में डाल दिया है, जिसकी वजह से हम टेररिज्म के सख्त खिलाफ हैं. हम वी स्ट्रिक्टली ऑन द साइड कि इसको ख़त्म होना चाहिए. और जो ये लोग कहते हैं ना कि जी हम इनके साथ गुफ्तगू कर लें, हम इनके साथ, आप हाउ कैन यू सिट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन और निगोसिएशंस विद टेररिस्ट? ये क्या कोई सोच है? ये कहाँ की सोच है? और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान बनेगा और नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान बनेगा कि जब आप टेररिस्ट के साथ, जिन लोगों ने आपके लोगों को मारा, जिन लोगों ने आपकी औरतों को कत्ल किया, जिन लोगों ने बमबारी की, जिन लोगों ने लोगों की जानें ली, उनके साथ आप बैठ के निगोसिएशंस करोगे? इज़ दिस द पाकिस्तान यू आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर दे जो इस तरह की सोच रखते हैं? आपने उन लोगों को एज दी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट पीटीआई, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आप लोगों ने उनको एज दिया, क्योंकि एज फार एज आई रिमेंबर, जब डाइन आउट हो रहे थे जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को कि आप 4 साल हुकूमत कीजिए, आखिरी साल सियासत हम करेंगे. तो आखिरी साल तो आ गया इलेक्शन से पहले. जी देखिए जी,
ये सिस्टम था डेमोक्रेसी का, हमने हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। बीबी ने हमेशा किया कहा है कि द बेस्ट रिवेंज इज़ डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी की खातिर और इस सिस्टम के चलने की खातिर कि ये सिस्टम चले, ये सिस्टम डिरेल नहीं करे, हम उस पार्टी में से नहीं है जो खड़े होकर विदाउट थॉट विदाउट सोच जी चले जाएँ घर जाएँ और खड़े होकर किसी ट्रॉलर पर चीखें चिल्लाएँ। वी डोंट डू सियासत लाइक दैट। हमारी सियासत जो है वो सोच पे है, बुनियादी इश्यूज़ पे है। अगर हमने कभी क्रिटिसाइज़ किया किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो इश्यूज़ पे किया। उस वक्त भी हमारी यही थी कि भाई आप अगर सही हुकूमत चलाएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए। आपका मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है और काश कोई समझे कि ये मुल्क कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हम सब के लिए। अब आप जब टेलीविज़न पे इमिग्रेंट्स का हाल देखते हैं, जब सीरियंस का हाल देखते हैं, लोगों का हाल देखते हैं तो रोने का दिल चाहता है। हमें तो अल्लाह रब्बिल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें खुदा ने ये मुल्क दिया है और इस मुल्क की बका के लिए और इस मुल्क के लिए वी शुड बी पाकिस्तानीज। वी शुड स्टॉप लिबरेटिंग आवर सेल्फ एंड स्टॉप थिंकिंग ऑफ आवर सेल्फ कि जी मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं कुछ हूँ। मैं मुसलमान पहले हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ। और इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की खातिर के लिए और इस सिस्टम को चलने के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये प्रमोट किया कि जी आप सिस्टम चलाएं, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आपके इश्यूज गलत होंगे और आप इस सिस्टम को नहीं चला सकेंगे और जब मुल्क में आप वो इश्यूज जो हम रेस कर रहे हैं, जो दुनिया देख रही है, उनको आप किसी तरह फाइनलाइज नहीं करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी विल देन अपोज, देन पीपल्स पार्टी विल कम आउट एज अ पोलिटिकल पार्टी ऑफ ऑपोजिशन। एंड आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन करना जानती है। बड़ी ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी ने की है जिसमें हम के लोग भी वर्कर शहीद हुए, कोड़े लगे लोगों को, लोग बाहर निकले और फिर लीडरों की भी शहादत हुई। कौन सी पोलिटिकल पार्टी ने इतना दिया है इस मुल्क को, खून दिया, जाने दी, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? आई एम सॉरी, आई डोंट सी एनी भी पार्टी जिसने इतना कुछ अपना गवाया हो सिर्फ इस मुल्क की बका के लिए। 1997 में भी तो 16 सीटें थी ना, डू यू रिमेंबर करेक्टली? वी हैड 16, देन इन 2002 वी हैड अ जनरल इलेक्शन जिसमें हमारी 80 सीट्स हो गई, सीटें बढ़ गई। उस वक्त बीबी भी नहीं थी यहाँ और माई ब्रदर वॉज इन जेल, सो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी केम आउट ऑफ दैट एंड फॉट बैक। तो रिवाइवल तो पीपल्स पार्टी का ज़रूर होगा। और जिस तरह बिलावल भुट्टो इस वक्त काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यंग लीडरशिप सामने आ गई है और उसने रेंज उठा ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो फोर फ्रंट में वो अपने आप को लेके आया है और जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, आई थिंक आई सी अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ हिज। इंशाल्लाह मेरा रब उसको साथ देगा, वो मेहनत करेगा और आगे आएगा और इस कौम को लीड करेगा। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं लीड करेगा, इस कौम को लीड करेगा और इस कौम का बहुत बड़ा वो सिपहसालार बनेगा। आपने जो डेमोक्रेसी की बात की, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात की आपने, और इसमें डोंट यू थिंक कि पीपल्स पार्टी ने बहुत लूज किया एज फार एज पंजाब इज कंसर्न्ड? कि पंजाब में तो वो सारा जो था वैक्यूम था, क्योंकि आप लोगों ने कहा 4 साल हम आप हुकूमत कीजिए, हम आखिरी साल सियासत करेंगे, तो वो जो 4 साल का अरसा था उसमें तो मुस्लिम लीग नून ने और पीटीआई ने वो वैक्यूम जो आप लोगों ने छोड़ा था उसको ओवरकम कर लिया और अब आपकी पोजीशन जो है पंजाब में एज सच वो नहीं नज़र आती। देखिए ये जी आपका ख्याल है, हम तो ये सोचते हैं कि हमने उनको इसलिए सपोर्ट किया कि हम एक सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। यस, पीपल्स पार्टी अब बाहर आई है इसी थॉट की वजह से और काम कर रही है। हमारे जरदारी साहब जो है, माय ब्रदर इज़ इन पंजाब एज वी स्पीक नाउ। बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ ऑल्सो इन द फील्ड नाउ एंड वर्किंग वेरी हार्ड। और पंजाब का वर्कर जो है वो बड़ा चार्ज है इस वक्त एंड वी विल कम आउट ऑफ दिस। देखें जी, 1997 में भी तो 16 सीटें थी ना, डू यू रिमेंबर करेक्टली? वी हैड 16, देन इन 2002 वी हैड अ जनरल इलेक्शन जिसमें हमारी 80 सीट्स हो गई, सीटें बढ़ गई। उस वक्त बीबी भी नहीं थी यहाँ और माय ब्रदर वाज इन जेल, सो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी केम आउट ऑफ दैट एंड फॉट बैक। तो रिवाइवल तो पीपल्स पार्टी का ज़रूर होगा, बिकॉज पीपल्स पार्टी उन हकूकों पे और उन बातों की बात के ऊपर स्टैंड लेती है जो आम आदमी के हकूक हैं और बिलीव करती है कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए।
और इस वक्त जिस तरह से लोगों के साथ हाल है, महंगाई के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी, आपकी हर चीज़ तो जी वो कौड़ियों के दाम बिकने वाली है, तो इन सब चीज़ों पे, इश्यूज पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक स्टैंड लिया. तो देर इज़ अ रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन ऑल द एरियाज ऑफ पाकिस्तान वेयर यू फील दैट वी नीड टू वर्क हार्ड एंड पीपल्स पार्टी इज़ वर्किंग हार्ड. इंशाल्लाह आपको वहाँ की रिजल्ट्स बेहतर नजर आएंगे. यू सीम टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. हाँ, आई बिलीव इन बिकॉज आई एम बेसिकली अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आई बिलीव इन वर्किंग वेरी हार्ड. जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो रब्बुल आलमीन उनको उसका अजर ज़रूर देता है. और जिस तरह बिलावल भुट्टो इस वक्त काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यंग लीडरशिप सामने आ गई है और उसने रेंज उठा ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो फोर फ्रंट में वो अपने आप को लेके आया है और जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, आई थिंक आई सी अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ हिज. इंशाल्लाह मेरा रब उसको साथ देगा, वो मेहनत करेगा और आगे आएगा और इस कौम को लीड करेगा. सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं लीड करेगा, वो इस कौम को लीड करेगा और इस कौम का बहुत बड़ा वो सिपे सलार बनेगा. ये आप जो बात कह रही हैं, जो आप दुआएं मांग रही हैं बिलावल भुट्टो के लिए, ये 2018 के इलेक्शन में होता हुआ नज़र आता है? बिल्कुल, वाई नॉट. अच्छा, बिल्कुल नज़र आता है. वेयर डू यू सी बिलावल इन 2018? वेल, आई सी हिम इन फ्रंट, आई सी हिम लीडिंग द पार्टी, आई सी हिम लीडिंग दिस कंट्री, आई सी हिम बीइंग देयर इन द नेशनल असेंबली. अच्छा, ऑफ कोर्स आई सी हिम एवरीवेयर. अच्छा, ये फिर एक वो चल पड़ती है डिबेट के जी, ही कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन. व्हाई कांट ही टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन? आई थिंक ही मेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस हिमसेल्फ. यू श्योर? ओह, पॉजिटिव. अच्छा जी, देखिए आजकल की जो यंगर जनरेशन है ना, हम जैसे लोग अब बूढ़े हो गए, तो अक्सर बच्चे जो है ना, वो मैं अपने चले भाई, मैं अपने लिए कह देती हूँ, मैं अपने लिए कह देती हूँ कि अब हम देखें जी, हम जिस उम्र के वक्त में हैं, दर्ज में हैं, व्हाट आई हैव पास्ट एंड व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इज माय पास्ट आई हैव सीन इन दिस वर्ल्ड. अब वो वक्त गुजर गया, नया वक्त है, नया दौर है. बिलावल अपने डिसीजंस खुद लेते हैं. अच्छा, but he makes his own speeches, he talks himself, he makes his own decisions in the party, and padha likha hai. padhe likhe log jo hote hain wo apni opinion, apni ideas samne leke aate hain, aur maa baap ko majbooran haan karni padti hai har baat pe. meri to dil ki dua hai ki wo shaadi kar le, wo meri ek baat puri ho jaye to bahut badi baat ho jayegi. aap push kar rahi hai usko? ji bilkul. आप बिलावल को पुश करेंगे शादी का? बिल्कुल जी, मैं तो चाहूंगी कि उसकी माशाल्लाह शादी हो जाए. अच्छा, बिकॉज मैं फुप्पी भी हूँ, उसके साथ सियासत में भी हूँ, और माशाल्लाह आई प्रे इन माय हार्ट फॉर हिम ऑल द टाइम. अच्छा, क्या डिसीजन क्या है बिलावल का शादी पे? वो कहता है ठहरे आंटी, अभी टाइम दे मुझे. ठहरे कितना टाइम? देखिए वो टाइम मांगता है, हम उसको कहते हैं शादी कर. अच्छा, सो दीज आर यू नो, ये एक आपने एज अ फूफी उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ के रखा? जी मैं बिल्कुल ढूंढती हूँ. तो वहाँ से जो आप चूज करते हैं, वहाँ आई थिंक नहीं, वो कहता है कि मैं अपनी बहनों से पहले कंसल्ट करूँ. अच्छा, तो आपने ऑप्शंस दी हैं बिलावल? जी जी बिल्कुल, ऑप्शन दो से कहा मैं जी अपनी बहनों से कंसल्ट. इट्स समथिंग दैट हैपेंस इन एवरीबॉडीज होम. सबके घर में जो नौजवान बच्चे होते हैं तो फिर बातें इस तरह की होती हैं, तो वो अपना डिसीजन खुद लेता है, वो अपने डिसीजन मनवाता है. माशाल्लाह ही विल लीड द पार्टी एंड आप और मैं सब देखेंगे. व्हाट अबाउट द अदर टू किड्स? माशाल्लाह, वेयर डू यू फोरसी देम, लाइक इन द 2018 इलेक्शंस? देखिए जी, चॉइसेस हैं उनकी अपनी हैं. आसिफा भुट्टो जरदारी जो अब सियासत अपने वालिद साहब के साथ बैठती हैं, मेरे साथ भी आके मिलती हैं, डिस्कस करती हैं. आई हैव हर्ड दैट शी इज टू गुड. She is mashallah, yeah. Very good. Mashallah, mashallah. Yes, yeah. She is very bright. Yeah. She, because औरत बच के नाते से बहुत चीज़ों पे वो sentimentally touch भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे issues पे, औरतों के issues पे बहुत interested हैं. जो औरतों के issues हैं, इस दफ़ा इस वक्त सिंध में हमारे बहुत सारे women empowerment पे bills pass हुए हैं, जैसे women harassment है at workplace, domestic violence है, फिर अर्ली चाइल्डहुड की रिस्ट्रेन है, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस,
उस पर बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत औरतों से उन्होंने बातें भी की हैं इस मामले पे, और उस पर रूल्स भी इम्प्लीमेंट हो गए हैं, हमारे रूल्स भी फ्रेम हो गए हैं उन पर. एंड दिस समथिंग दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ बीन ऑल अलॉन्ग डूइंग व्हेन विमेन इश्यूज आर कंसर्न्ड. फिर है जी हमारा, आई थिंक पीपल्स पार्टी ने 2015 में बिल पास किया है ऑन माइनॉरिटी मैरिजेज ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की मैरिजेज रजिस्टर्ड नहीं होती थी, वो बिल पास किया है. सो अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन बाय द पार्टी, जिसमें वो बहुत फोकस्ड हैं. शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन दिस एंड शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दिस. 2018 के इलेक्शंस में आप उनको भी किसी असेंबली में देखती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल, इंशाल्लाह शी वुड बी. अच्छा. I would hope so and I would want so that she comes into the party. In the assemblies, yes. In the assemblies. Yeah. So you see them coming in the assembly, like all three of them. Let's see. I mean, it's a Bill Abelt, of course, is going to be there, and he, mashallah, is going to be in the National Assembly. He will be there. He will lead the party, and inshallah, the other girls will also. Jiski jo marzi ji, hamare haan ek bada liberal sa एटमोसफियर है. हम बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको अपनी इजाज़त देते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए कि भाई जी अगर आप ये सियासत में आना, सियासत में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली. अच्छा एक बात समझाए मुझे, इधर मैं थोड़ा सा सिंध के अंदर इंटीरियर की बात कर रहा हूँ. इंटीरियर सिंध में जाए तो वहाँ पे तो बड़ी अच्छी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, साथ उसके वो फार्म्स हो, फार्मिंग हुई हुई है, ऑल दैट स्टफ. तो आप लोग इसको जब एलिगेशंस लगते हैं आप लोगों पे कि यार पता नहीं क्या हो गया सिंध में, सब पैसे खा जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो चीज़ें आप क्यों नहीं दिखाते किसी को? देखिए जी, सिंध में तो बहुत तरक्की हुई है, हॉस्पिटल्स हैं. जी बिल्कुल, we've got some very good hospitals coming up. आप क्यों नहीं उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते? गंबट का हॉस्पिटल आप देख लें, उसमें हर किस्म की सर्जरी हो रही है. गंबट इज इन खैरपुर. आप मेरे लड़काना आ जाए, एन आई सी वी डी ने भी अपना स्टार्ट कर दिया है, फंक्शनल है. हम केसेस वहाँ डॉक्टर्स कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. वैसे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में चार्जेस हो रहे हैं 2-4 लाख रुपए. दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. हाल ही में अदीब रिजवी साहब आए थे मेरे पास, SIUT का हम वहाँ लड़काना में खोल रहे हैं उनका एक यूनिट, एंड मुझसे मिलके गए. जैसे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जो चाहें, मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगी, चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज मैं उनसे कहा कि मैंने मिनट टाइप चीज़ उनको कहा, मैंने कहा रिक्वेस्ट करते हो आप प्लीज़, और उन्होंने कहा बिल्कुल मैं कर रहा हूँ. वो कर रहे हैं, वहाँ बना रहे हैं अपना एक SIUT का वहाँ अपना पूरा यूनिट बनाएंगे जो गरीबों का इलाज होगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी. यहाँ हमारे जिन्ना हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. इन हेल्थ पीपल्स पार्टी ने और इस हुकूमत ने माशाल्लाह बहुत काम किया है. आप जिम, हमारे जिम्स देख लें, जैकबाबाद हॉस्पिटल बनी है विथ USAID. It's one of the beautiful hospitals. Well, somebody was telling me अभी show शुरू होने से पहले कि वहाँ पे there are some Germans stationed over there. Where are they stationed? Germans stationed? Stationed in some hospital. जी, वो खैरपुर में है जी. वहाँ वो काम कर रहे हैं and कुछ operations ऐसे हो रहे हैं लोगों के. I mean, there's a lot of work. देखो वो चीजें highlight क्यों नहीं, क्यों होती? ये तो आप आपकी मीडिया को कहें ना कि पीपल्स पार्टी का की विच हंटिंग बंद करें और जरा सा दिखाना शुरू करें अचीवमेंट्स ऑफ पीपल्स पार्टी. जो पीपल्स पार्टी ने काम किया, पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है. रोड नेटवर्क में देख लें, एजुकेशन सेक्टर में देख लें, आप मेरे लड़काना में आप जा आके देख लें. हमारा मेरा आप थैलेसीमिया सेंटर जाके बेनज़ीराबाद नवाबशाह में देखें, जो मैंने उस वक्त खोला था जब मैं ज़िले नाज़म थी. अच्छा. और हमने ये डोनेशन से स्टार्ट किया था. आप हमारा कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स, दिस द ओनली कैडेट कॉलेज. यस, इन बेनज़ीराबाद नवाबशाह, दिस इज द ओनली कैडेट कॉलेज इन सिंध. अच्छा. यस, फॉर गर्ल्स. हमारा बैच भी निकलने वाला है वहाँ से लड़कियों का, इट्स ओनली फॉर गर्ल्स. जो मैंने एज अ ज़िला नाज़म ये स्टार्ट करवाया था, और अब माशाल्लाह इट्स डूइंग सो वेल. देयर इज अ जस्ट नाउ थैलेसीमिया सेंटर बीइंग सेट अप इन लड़काना. कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स, राइट? यस यस, इट्स अ कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स, एंड यू कम एंड सी इट, एंड आई वुड लाइक द पीपल ऑफ दिस कंट्री टू कम एंड सी दैट कॉलेज, कि किस तरह हमने बनाया, किस तरह वो चल रहा है. हमने भी एक आसिफा डेंटल कॉलेज लड़काना में बनवाया है, वो भी आके आप लोग देखें. बच्चियों के लिए होता ये कि कुछ बच्चों को एडमिशन मिल जाती है मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन कुछ बच्चे रह जाते हैं ना उसमें मार्क्स की वजह से, किसकी वजह से. तो फिर उनके लिए फिर हमने आसिफा डेंटल कॉलेज बनाया है, जिसमें बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो अब एडमिशन्स ले रही हैं, वहाँ से भी बैचेस निकल रहे हैं. सिंध इज़ वेरी अवेयर. एक लोगों में बहुत ये है
अवेयरनेस है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो वक्त चला गया। जरदारी साहब कह रहे थे कार्ड देंगे, वो कार्ड्स इशू करेंगे, एजुकेशन कार्ड, जिसमें उनको बच्चों को बच्चियों को एजुकेशन मिल सकेगी, ग्रेजुएशन कर सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट्स राइट, दैट इज आल्सो अ प्रोग्राम, दैट्स हिज प्लान, दैट्स हिज प्लान, इट्स गोना कम अप। वो वर्किंग उस पे हो रही है, मैच्योर हो चुकी है? जी बिल्कुल, उस पे वर्किंग हो रही है, वर्किंग तो बहुत सारी चीजों पे हो रही है। देखिए ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि जो लोग आते हैं यहाँ बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि यू हो गया, करप्शन हो गई, भाई अपना प्लान तो बताएं, आप यूथ के लिए क्या प्लान लाए हैं? I see only one youth in this country that is going to come forward, and that is Bilawal Bhutto Zardari. सब तो बूढ़े हो गए लेकिन अपने आप को यूथ कहते हैं और यहाँ के इल्जामात लगा के हमारे शहर में और हमारे सिंध में चले जाते हैं। वो प्लान क्या है भाई, क्या दे रहे हो सिंध को, क्या ला रहे हो सिंध के लिए? पहले अपना डेंगी तो ठीक करवाएं अपने मुल्क में, जो खैबर पख्तूनख्वा में 3600 केसेस ऑफ डेंगीज हैव बीन रिपोर्टेड, पहले उसको ठीक करें। हमारे सिंध में माशाल्लाह जितना काम हो रहा है और जितना विजन है हमारे पास यहाँ लोगों के काम करने का, बिकमिंग एवरी टाइम देयर समथिंग न्यू। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने तो अदीब रिजवी से क्या नाम बात करते, मैंने फ़ौरन उनके मैं पीछे पड़ गई, मैंने कहा आप हमें देना है SIUT का बनाना है, और SIUT का उनका सेंटर जो सखर में चल रहा है, इट्स वेरी गुड, इट्स वर्किंग सो ब्यूटिफुली। एंड व्हेन आई मेट हिम ही टोल्ड मी कि बेटा मैं किसी को कुछ चार्ज नहीं करता, आई डोंट चार्ज एनीबडी एनीथिंग, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ही वॉज इन्फॉर्मिंग मी दैट पीपल आर कमिंग फ्रॉम पंजाब, बिकॉज सखर इज नेबरिंग द साउथ ऑफ पंजाब एंड ऑल दैट एरिया, तो वहाँ से उनके पास पेशेंट्स आते हैं, उन बेचारों के लिए हम, उनको भी हम कैटर करते हैं, उनके लिए भी हम काम करते हैं। तो देयर इज सो मच ऑफ वर्क बीइंग डन इन सिंध, और ये फजूल बैठ के सिर्फ एलिगेशंस की सियासत करके और रात को जाके कहते हैं बस ख़त्म हो गया, एक स्पीच मार दी, खिलाफ कर दिया, वो काम इतना हो रहा है यहाँ के देखने के काबिल। अच्छा, आपके ख्याल में जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें PTI सिंध में या कराची में आपको कोई, आप हंस रही हैं तो सवाल तो कंप्लीट होने से बोले बोले आपको PTI को टफ टाइम दे सकते हैं यहाँ पे? पहले PTI अपने लिए कैंडिडेट्स ढूंढ ले। अच्छा, पहले देखें उनके पास कैंडिडेट्स भी हैं कराची और सिंध में कि जो उनके पास हों, जो खड़े हों उनके लिए। आपके ख्याल में उनके पास कैंडिडेट्स नहीं? आई डोंट थिंक दे हैव कैंडिडेट्स, दे हैव टू फर्स्ट लुक फॉर कैंडिडेट्स फॉर देमसेल्व्स टू फाइंड आउट। अच्छा, first they have to make the structure of a political party in Sindh. I don't see a political structure of their party also in Sindh. I don't see them anywhere, sorry to say, I don't see them anywhere. Anywhere? No, I don't see them anywhere in Sindh. And I mean Sindh. Achha. Sindh includes Achha. Karachi. Achha. Everywhere. Achha. Haan, MQM hai Karachi mein. And dekhte hain MQM ke saath bhi kya hota, I don't know what's going to MQM तो सारे अगर चले गए PSP में तो फिर अब देखें जी कौन सी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को MQM की शेप में या लेके आके सामने पेश करती है। लेकिन MQM के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस पार्टी से आना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी जी, दे वांट टू कम इनटू पीपल्स पार्टी। कब आ रहे? सून, बहुत सारे वर्कर और कुछ लोग तो आ भी गए हैं हमारे पास। अच्छा जी, आ रहे हैं, बिकॉज बड़े नाम हैं जो बताना चाहिए। जी मैं इस वक्त तो नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगी उनके नाम, बट यस देर आर पीपल इन द पाइपलाइन हु वांट टू कम, जिनने मेरे से मुलाकात भी की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आना भी चाह रहे हैं। एंड देखिए सब समझते हैं कि ये एक वाहिद पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती है, जो मेहनत करती है, जो अवेलेबल है। अब मैं अवेलेबल हूँ अपने लोगों के लिए, अपने वर्करों के लिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। मुझे खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग फ़ोन करके बात करते हैं अगर कोई मसला होता है। सो इट्स अवेलेबिलिटी, इट्स योर कर्टसी, इट्स द वे यू हैंडल योर पीपल, इट्स द वे यू आर अवेलेबल फॉर योर पीपल, इट्स द वे यू वर्क फॉर द पार्टी। पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया है, यहाँ काम किया है सिंध में। जितने ग्रैंड अलायंस में लोग हैं उसमें से कुछ लोग तो हमसे बातें भी करना चाहते हैं और हमें कहते हैं, कोई कहता है जी दो सीट दे दें, जी एक सीट दे दें, जी फलाना कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही बात, सच्ची बात है, मैं आपसे थोड़ी सी इख्तलाफ करूँगा यहाँ पे। बाहर ग्रैंड अलायंस बनता है जी, और जो ग्रैंड अलायंस बना रहे होते हैं लोग, वहाँ पे वो लोग कहते हैं जनाब के ये फरियाल बीबी से जान छुड़ा दो, अदी फरियाल से जान छुड़ा दो तो हम ग्रैंड अलायंस बना लेंगे।